अगर आप भी हमारी तरह गाड़ियों के शौकीन हैं तो कोस्टल एरिया में रहना आपके लिए एक बहुत बड़ा डाउनसाइड हो सकता है। वेलकम टू ब्रोटोमोटिव गाइज, मैं हूं आपका होस्ट परीक्षित और आज हम आपको दिखाने वाले हैं इस 2009 होंडा सिटी का कंप्लीट रिस्टोरेशन का वीडियो। तो ये गाड़ी मुंबई से है और पहले भी हमने ये बात देखी है कि मुंबई की गाड़ियों में एक रस्टिंग का प्रॉब्लम काफ़ी हो जाता है एंड इट इज़ नॉट बिकॉज कि वहाँ पर लोग अपनी गाड़ियाँ ठीक से मेंटेन नहीं करते, बट कभी कभी ओवर मेंटेनेंस की वजह से ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। जब लोग अपनी गाड़ियों को बहुत ज़्यादा धोते हैं तब ऐसे प्रॉब्लम्स यूजली आ जाते हैं और मुंबई में क्योंकि पानी बहुत खारा है तो रस्टिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस गाड़ी के लिए हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम कहीं से सेकेंड हैंड कंडीशन में अच्छे पैनल्स ला के इस गाड़ी पर रिप्लेस कर दें, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे पैनल्स ख़राब हो चुके थे। क्वार्टर पैनल्स दोनों बैडली रिपेंटेड थे तो वहाँ पर हमें स्ट्रिपिंग करने की ज़रूरत पड़ी और बाकी चारों दरवाजे, डिक्की, बॉनेट एंड इवन फेंडर तक काफ़ी ज़्यादा रस्ट हो चुका था। पर सेकेंड हैंड पैनल्स हमें टाइम पर मिले नहीं, कस्टमर को गाड़ी जल्दी चाहिए थी, तो फिर हम लोगों ने फाइनली ये डिसाइड किया कि गाड़ी पर नए पैनल्स ही हम इंस्टॉल कर देंगे। तो खर्चा काफ़ी मोटा आया बट ओवरऑल गाड़ी बहुत ही अच्छी लास्ट में बन के निकली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बुडमो। बुडमो आर दी ऑनलाइन एक्सपर्ट्स व्हेन इट कम्स टू स्पेयर पार्ट्स। आप budmo.com पर जाकर अपनी गाड़ी के जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स घर बैठे खरीद सकते हैं। बुडमो हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटलॉग्स फॉर स्पेयर पार्ट्स, चाहे आपके पास एक छोटी गाड़ी हो या फिर एक लग्जरी गाड़ी हो। बुडमो अपने सप्लाई किए हुए स्पेयर पार्ट्स पर 10 डे की अश्योर्ड रिटर्न पॉलिसी भी ऑफर करता है। You can check out their website and also download their app. It's available on Android and iOS both. गाड़ी का पीछे और आगे का बम्पर जो है वो गाड़ी पर स्क्रू करके बिठाया हुआ था और यूजुअली स्क्रू करके बिठाने में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बम्पर का फिटिंग एंड अलाइनमेंट अच्छा आ जाता है। बट इसका एक डाउनसाइड है, डाउनसाइड यह है कि क्योंकि ये स्क्रू में परमानेंट फिटेड रहता है तो आप बम्पर्स को रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी काम करना हो आपको स्क्रूज पूरे निकालने पड़ेंगे बम्पर में से पुट्टी वर्क तोड़ के और उसके बाद आपको वापस से या तो स्क्रू मारने पड़ेंगे, पर एक बार अगर हमने स्क्रू मार दिए तो सेम जगह पर स्क्रू मारना भी पॉसिबिलिटी नहीं होता। हमारी वर्कशॉप में यूजुअली जब ऐसे कंडीशन में बम्पर्स आते हैं तो हम लोग उनको रिप्लेस करने का रिकमेंडेशन ही देते हैं। दोनों क्वार्टर पैनल पे जब रिपेयरिंग का काम किया गया था तो लाइन एंड लेवल प्रॉपर नहीं था और बेस वर्क में पुट्टी का यूज़ काफ़ी किया गया था, थोड़ा बहुत डेंटिंग के काम की भी ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने क्वार्टर पैनल्स को अच्छे से स्ट्रिप कर लिया, जहाँ जहाँ पे हमें लगा कि थोड़ा डेंटिंग का काम होना चाहिए वो हमने रेक्टिफाई कर लिया और उसके बाद हमने बेस वर्क के काम में इसको प्रॉपर लाइन एंड लेवल दे दिया। हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि जब भी आप कोई नया पैनल गाड़ी पर रिप्लेस कर रहे हैं तो मिग वेल्डिंग के थ्रू ही रिप्लेस करना चाहिए, पर जब भी हम किसी भी रस्टेड गाड़ी के साथ डील करते हैं और अनयूजुअल एरियाज में कट्स मारते हैं और वेल्ड्स मारते हैं तो वहाँ पर गैस वेल्डिंग का यूज़ ज़्यादा प्रैक्टिकल है।
सो इस गाड़ी पे मेजॉरिटी पार्ट्स हमें रिप्लेस करने पड़े क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रस्ट हो चुके थे। गाड़ी के चारों दरवाजे, बोनट, डिक्की और दोनों बम्पर्स हमने रिप्लेस किए हैं। ये सारे होंडा के जेन्युइन पार्ट्स में हमने किया है। इस तरीके के रिस्टोरेशंस काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, पैनल्स का कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, बट मुंबई जैसी सिटी में रहने के बाद ना आप अगर रिपेयर्ड पैनल्स के साथ अपनी गाड़ी चलाएंगे ना तो रस्टिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में हम रिपेयरिंग वर्क रेकमेंड नहीं करते हैं। अपनी गाड़ी की लाइफ मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसमें नए पैनल्स का यूज़ ही करें अगर आपकी गाड़ी रस्ट हो चुकी है। और अगर आपको इसका रिस्टोरेशन का खर्चा ज़्यादा लगता है या पार्ट कॉस्ट ज़्यादा लगती है तो आप अपनी गाड़ी तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक वो चलती है, और आगे चल के या तो उसे बेच सकते हैं या फिर उसे स्क्रैप कर सकते हैं। पर्सनली स्पीकिंग होंडा सिटी का ये गोल्डन कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बहुत ही एक अच्छा क्लासी लुक ये देता है, बहुत ही सटल कलर है। और जब एंड रिजल्ट्स इस गाड़ी पर आए तो ये गाड़ी भी बहुत अमेजिंग लग रही थी। मैं किसी और गाड़ी पर भी ये कलर यूज़ करना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक होंडा सिटी से ज़्यादा किसी और गाड़ी पर ये कलर एप्टली सूट करता है। शायद आपको ये वीडियो देख के उतना ना लगाओ, बट ये प्रोजेक्ट बहुत ही मेजर था। हम लोगों ने इसके लिए बहुत सारी रॉ फाइल शूट की थी, बट कुछ फाइल्स हमारे मेमोरी कार्ड करप्ट होने की वजह से डिलीट हो गई, तो वी हैव मेड द बेस्ट ऑफ व्हाट वी कुड। बट फिर भी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अभी हम आपको दिखाते हैं कि गाड़ी कंप्लीट होने के बाद कैसी दिख रही है।
कैसे लगे आपको? अच्छा नहीं, मुझे तो एकदम नई जैसी ही लगी। पहले मतलब 6-7 महीने पहले देखी थी, अभी काफ़ी डैमेज थी, अभी काफ़ी बेटर है, काफ़ी नई लग रही है, काफ़ी अच्छा काम किया आपने। इसके लिए ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू पुणे यहाँ पे हम लोग ने दिया। सोशल मीडिया के थ्रू पता है सबसे बड़ा फायदा हमें यही हुआ है कि इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ऐसे कोई नहीं। वो भी आप इतने दूर से, मतलब आपने हमें आए, हमें मौका दिया काम करने को, अभी हम लोगों तक पहुँच पाते हैं, तो मतलब फिर क्या होता है, शौकिया लोग हम तक आते हैं कि जो एक्चुअली ऐसा कुछ इंटरेस्ट है। पुणे तक क्यों देना है, बॉम्बे में बहुत सारे हैं, वहीं पे देख। हम लोग उसको डांटते थे। सर के साथ हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जब भी वो आए ना मिलने हमसे, बहुत मजा आता था। साथ में होंडा गए थे, उसको पहले से अगर कुछ भी करेगा तो एकदम परफेक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा, वरना चलेगा, जैसे भी यूज करना है परफेक्ट। बहुत आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, काफी लंबे टाइम के बाद। कितनी खुशी होती है यार उनके मन में। बॉडी शॉप में आई डोंट थिंक कहीं और भी ऐसा एक्सपीरियंस मिलता होगा। यहाँ पे ना कस्टमर और जो हमारी टीम है ना, बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, मतलब दे नो एवरीबडी हुज वर्किंग ऑन देयर कार। वो भी अभी 45 डब्बे मिठाई लाए हैं, वो 45 डब्बे मिठाई लाए हैं वो। बाप रे। पेड़े, केसर पेड़े और मलाई पेड़े। Thank you.